हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा। दोस्तों, आज आपके लिए पुनः लेकर आए हैं, चर्चा करने वाले हैं। हमारा जो स्पेशल एमसीक्यू चल रहा था बॉटनी का स्पेशल एमसीक्यू है, और ये 96 अपॉन 3rd पार्ट से, तो इस पर डिस्कस करने वाले हैं उन प्रश्नों की जो TGT PGT KVS MBS UP MP झारखंड या किसी स्टेट का भी TGT PGT रहा हो, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी और PCS एग्जामिनेशन ACF एग्जामिनेशन में आदि में जो पूछे गए क्वेश्चन हैं उन्हीं की ये श्रृंखला है। तो ये इन प्रश्नों को आप देखेंगे, और जो अगर आप एग्ज़ाम देख रहे हैं तो देखेंगे ये वही प्रश्न, इसमें एक भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो अभी तक ना पूछा गया हो, तो इसलिए ये आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और ये बॉटनी स्पेशल और जूलॉजी स्पेशल इस प्रकार से दे रहे थे। इसके साथ अपने सभी मित्रों को और अपने सभी दर्शकों को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएँ, नव वर्ष नूतन वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। जो आपके काम नहीं हो पा रहे हैं, मैं आशा करता हूं ईश्वर की अनुकंपा से सारे काम आपके नए वर्ष में हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन, चलिए सेलेक्ट कर लिया पेन हमने। द टाइप ऑफ स्पेसिमेन यूज्ड बाय द आथर इन द ओरिजिनल पब्लिकेशन नोन एज, तो ये क्वेश्चन PGT का पेट क्वेश्चन है, और ये PGT में हर साल इससे, ये टैक्सोनॉमी का क्वेश्चन है, इससे एक ना एक, चाहे वो लैक्टोटाइप पूछ ले या होलोटाइप या आइसोटाइट या सिनटाइप, इनमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है। ये आप जरूर तैयार करके जाएं अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो वो होगा होलोटाइप। इंडियन बोटेनिकल गार्डन कलकत्ता वाज इस्टेब्लिश्ड बाय, भारतीय वनस्पतिक उद्यान कलकत्ता स्थापित किया गया था किसके द्वारा किया गया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन है असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया है, ये क्वेश्चन PGT में भी पूछा गया क्वेश्चन से। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इंडियन बोटेनिकल गार्डन कलकत्ता वाज इस्टेब्लिश्ड बाय, बताइएगा 72 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा रॉबर्ट किड। क्या होगा, रॉबर्ट किड द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइनेंड्रोफोर इज फाउंड इन द फैमिली, तो 73 में आंसर आपके क्या होंगे, ब्रेस्केसी मालवेसी कैप्राडिएसी रेनकुलेसी, तो आप बताएंगे इसमें से सही आंसर क्या होगा। गाइनेंड्रोफोर जो पाई जाती है वो किसमें पाई जाती है, कैप्राडिएसी में पाई जाती है। ये क्वेश्चन PGT का कॉमन क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंजिनेसियस स्टेमन अकरिंग, तो सिंजिनेसियस स्टेमन किसमें देखने को मिलता है, मालवेसी ऑर्किडेसी सोलनेसी एस्ट्रेसी, तो ये पेट क्वेश्चन है, तो ये कंपोस्टी में देखने को मिलता है यानी एस्ट्रेसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑब्डिप्लो स्टेमनस कंडीशन इज फाउंड इन द द्विवर्त पुंकेसरी अवस्था पाई जाती है, तो किस में देखने को मिलती है, तो करियोफिलेसी पैपाविलेसी कुकरबिटेसी रेनकुलेसी, किस में देखने को मिलती है, तो ये देखने को मिलती है करियोफिलेसी में, तो ऑप्शन इसका ए सही होगा। गाइनोबेसिक स्टाइल इज द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फैमिली, तो गाइनोबेसिक स्टाइल किसका करेक्टरिस्टिक फीचर्स है, तो ये तो आप सब जानते हैं लेमिएसी, जिसे लेविएटी बोलते थे, तुलसी में देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लमाइडोमोनास सो, तो क्लमाइडोमोनास में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो आइसोगेमस एन आइसोगेमस ओगेमस या अल्फ दाइवप, तो इसका सही आंसर आपकी नज़र में क्या होगा, तो इसका आंसर सही होगा डी नंबर, अल्फ दीज। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रुप डोमिनेटेड द वेजिटेशन ऑफ द अर्थ ड्यूरिंग जुरैसिक पीरियड, निम्नलिखित में से जुरैसिक कल्प के समय पृथ्वी की वनस्पति में कौन पादप समूह प्रभावी था, तो आप बताएंगे उस समय कौन सबसे ज़्यादा प्रभावी था 78 में, तो साइकेडेल्स थे। क्या थे, साइकेडेल्स। द फर्स्ट सीड प्लांट एपियर ड्यूरिंग, बताएगा द फर्स्ट सीड प्लांट एपियर ड्यूरिंग, तो ये कब एपियर हुए थे, तो 79 का क्या आंसर सही होगा, तो क्या होगा कार्बोनी फेरस, ये लिख लीजिएगा, ये PGT में आया हुआ क्वेश्चन है, KVS का क्वेश्चन है, तो कब आया था कार्बोनी फेरस में। एनालोगस स्ट्रक्चर आर अनुरूप संरचनाएं होती हैं, एनालोगस के बाद सिमिलर इन द डेवलपमेंट एंड फंक्शन, तो देखिए जिनकी संरचना तो समान होती है मगर कार्यों में समानता होती है, और जो उत्पत्ति होती है वो भिन्नता होती है,
तो इस तरह से देखिए, उत्पत्ति में समरूप किंतु कारण भिन्न नहीं, उत्पत्ति में भिन्न तो इन कार्य में समरूप। तो इसका ऑप्शन 80 का क्या होगा, कार्य एवं उत्पत्ति में भिन्न नहीं, इसका उत्तर होना चाहिए डी। क्या होता है डी नंबर। देखिए एनालोगस और होमोलोगस आर्गन्स में अंतर हम आपको बता दें, होमोलोगस आर्गन्स वो होते हैं उत्पत्ति में समान होते हैं मगर कार्यों में भिन्नता देखने को मिलती है, और जो एनालोगस आर्गन्स होते हैं वो उत्पत्ति में भिन्न होते हैं मगर कार्यों में समानता दिखाई देती है। आप ये उसमें देखेंगे जाके, इवोल्यूशन जब पढ़ेंगे उद्विकास, तो वहाँ ये देखने को मिलेगा। माइटोसिस वाज डिस्कवर्ड बाय, माइटोसिस किसने डिस्कवर्ड की थी, सूत्री विभाजन की खोज किसने की थी, तो आप 81 का बताइएगा, तो डब्ल्यू फ्लेमिंग ने की थी। द करेक्ट स्टेटमेंट इज, कांटे उत्पत्ति में अंतर्जात होते हैं, समसिक में सभी पुष्प एक ही बिंदु से निकलते प्रतीत होते हैं। क्या लिख रहा है, करेक्ट स्टेटमेंट। थायमिन आरएनए का एक बेस होता है, थायमिन की जगह यूरेसिल पाया जाता, तो ये तो गलत है। C4 पौधे की पर्ण की आंतरिक संरचना क्रंज प्रकार की होती है, क्रंज एनाटॉमी पाई जाती है, तो आप बताइएगा इनका सही ऑप्शन क्या होगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सब्सटेंस रिलेटेड टू द फोटो ट्रॉपिज्म इन द स्कूल इज, एकाशानुवर्तन से संबंधित पदार्थ है। ये कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है भाई, एकाशानुवर्तन रिलेटेड फोटोट्रॉपिज्म इन द स्कूल इज, इसका ऑप्शन होगा सी ऑक्सिन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूड पॉइजनिंग बॉटलिज्म कॉज्ड बाय द इन्फेक्शन, ये पीजीटी का पेट क्वेश्चन है, ये असिस्टेंट प्रोफेसर में आ चुका क्वेश्चन है, ये पीसीएस का भी क्वेश्चन है। तो क्या होता है, क्लोस्ट्रीडियम है, क्या है, क्लोस्ट्रीडियम जाति है बॉटलिनम नाम से होती है, जिस फूड पॉइजनिंग उत्पन्न करती है। रिप्रेसर प्रोटीन इज द प्रोडक्ट ऑफ द, रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है, तो ये आप चलेंगे ओपरान मॉडल में, ये क्वेश्चन ओपरान मॉडल से बना हुआ है, तो ये किससे संबंधित है बताइएगा, ऑपरेटर जीन, रेगुलेटर जीन, प्रमोटर जीन, स्ट्रक्चरल जीन, तो 85 का सही आंसर क्या होगा, रेगुलेटर जीन। हु गॉट द नोबेल प्राइज फॉर द डिस्कवरी ऑफ ट्रांसपोजेबल डीएनए एलिमेंट्स इन हायर प्लांट्स, तो बारबरा मैकक्लिंटक थे, तो ऑप्शन इसका क्या सही होना चाहिए, बी। एन एंटीकोडान इज द कम्प्लीमेंट्री टू द न्यूक्लियोटाइड ट्रिपलेट इन, तो बताइएगा किसमें देखने को मिलते हैं, टी आर एम और सी, किस प्रकार के आरएनए में देखने को मिलते हैं, तो 87 का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ए टी आरएनए में। ट्रांसजेनिक प्लांट आर प्रोड्यूस्ड बाय, ट्रांसजेनिक पौधे पैदा होते हैं तो किसके द्वारा पैदा होते हैं, जीन म्यूटेशन से प्रेरित करके, स्पिंडल फाइबर के बनने में रुकावट उत्पन्न करके, लिंग गुणसूत्रों को निकाल देने से, अंतर जीवी ही जीन्स के प्रत्यारोपण से, तो ऑप्शन यही आपका डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द जीनेटिक मटेरियल ऑफ द रेट्रोवायरस, तो रेट्रोवायरस का जो जीनेटिक मटेरियल होता है वो कैसा होता है, आप बताएंगे आपके अनुसार क्या सही होगा। ये क्वेश्चन पीजीटी में भी पूछा गया, पीसीएस का तो है ही, और इसके अलावा ये एनबीएस में भी पूछा गया है, तो 89 का होगा डी, सिंगल स्टैंड आरएनए। द प्रोसेस बाय विच एन एम्ब्रियो डेवलप्स विदाउट इन्वॉल्विंग गैमेटिक फ्यूजन इज कॉल्ड, बिना युग्मक के संयोजन के भ्रूण विकास की क्रिया को कहते हैं, तो क्या बोलते हैं आप बताएंगे, एपोगैमी, एपोस्पोरी, सिनगैमी, आइसोगैमी, तो आप बताएंगे इसको क्या बोलते हैं, तो इसको 90 नंबर का जो आंसर सही होगा वो क्या होगा, तो वो उसे बोलते हैं एपोगैमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोराई इन द ऑस्ट्रेलियागो होडियाई आर जनरली कवर्ड विद द मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर डेवलप्ड फ्रॉम, तो बताएगा, तो ऑप्शन इसका क्या सही होगा आपके अनुसार, तो 91 का सी सही होगा, पार्शली फ्रॉम होस्ट होगा, हॉस्ट नहीं, होस्ट टिश्यूज। देखिए यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक होगी, जब ये टाइपिंग किया गया है तो चूंकि बहुत ज़्यादा स्पेलिंग होती नहीं, तो एक बार जो हो गया तो हो गया, एक आध आंसर भी हो सकते हैं कि आपको दुविधा में डाल सकते हैं, तो वो जरूर हमें बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फेमस बंगाल फैमिन इन
1942 अकर ड्यू टू, किसके कारण बंगाल वाला हुआ था? तो बंगाल में हमें लगता है धान ज़्यादा होता है, तो लीप स्पॉट ऑफ राइस होना चाहिए। आप बताइएगा 92 में क्या होगा? तो ऑप्शन बी होगा, लीप स्पॉट ऑफ राइस। डाइकैरियोटाइजेशन इन पक्सिनिया ग्रेमिस वाज फर्स्ट रिपोर्टेड बाय, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डाइकैरियोटाइजेशन इन पक्सिनिया ग्रेमिस वाज फर्स्ट रिपोर्टेड बाय, किसने रिपोर्ट किया था? तो किया था किसने किया था? ग्रेगी जेएच द्वारा, यहाँ क्रेगी लिखा हुआ है जेएच द्वारा, यहाँ लिखा है ग्रेगी जेएच द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऊगोनियल वाल इन्फ्यूज्ड विथ ऊस्पोर वाल, निम्नलिखित में से किसमें ऊगोनियल और ऊस्पोर भित्ति का संलग्न होता है? तो किसमें होता है ऊगोनियल वाल फ्यूज टू द ऊस्पोर, तो किसमें देखने को मिलता है बताएंगे आप? ये चार आप फंगस दिए हुए हैं, तो किसमें होता है? तो 94 का जो सही आंसर होगा वो होगा एल्बिगो कैंडिडा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंजाई इज नोन एज बर्ड्स नेस्ट फंगस, तो बर्ड नेस्ट फंगस कौन सा है तो आप बताएंगे, तो वो है कौन सा है? साइथस। क्या है? साइथस को हम बर्ड नेस्ट फंगस के नाम से जानते हैं। इसके अंतर्गत ये आते हैं, जो आते हैं न्यूडुलरेसी फैमिली के अंतर्गत आते हैं। न्यूडुलस मीन्स होता है स्मॉल नेस्ट होता है, और फैमिली ऑफ द फंजाई इज द ऑर्डर एगेरिकेल्स, ध्यान रखना एगेरिकेल्स कॉमनली नोन एज द बर्ड्स नेस्ट फंजाई। दियर फ्रूटिंग बॉडीज रिजेंबल टीनी एग फील्ड बर्ड्स नेस्ट, तो ये आप ध्यान रखिएगा, और ये सैप्रोबिक होते हैं यानी सैप्रोफिटिक होते हैं, तो इसको भी ध्यान में आप रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंजी काज द बैकन डिजीज ऑफ पैडी, बैकन डिजीज जो पैडी का होता है वो किसके द्वारा होता है? तो बैकन डिजीज जो होता है वो किसके द्वारा होता है? फ्यूजेरियम की इजाद से होता है। अब स्पीसीज आप बताइएगा कौन सी होती है, ऑक्सीस्पोरम या मोनलीफॉर्मी, तो आप बताइएगा। तो इसका सही ऑप्शन 96 में कौन सा होगा? तो 96 का ऑप्शन होगा मोनलीफॉर्मी, फ्यूजेरियम मोनलीफॉर्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द ओल्ड मैन्स बर्ड, सॉरी ओल्ड मैन बियर्ड, तो निम्न में कौन सा ओल्ड मैन बियर्ड कहलाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ओल्ड मैन बियर्ड कौन कहलाता है, तो आप आंसर करिएगा 97 में। तो 97 का सही आंसर है ए, असनिया, असनिया या उसनिया बोलते हैं, तो ये कहलाती है क्या, ओल्ड मैन बियर्ड्स। ये आप नोट करके रखिएगा, अगर आप पेन कॉपी लेके बैठे हुए हैं तो नोट करके बैठिएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द डॉग लाइकेन, ये तो पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है और ये असिस्टेंट प्रोफेसर में भी आया क्वेश्चन है, तो इसमें से क्या है? पेल्टिजेरा, जो पेल्टिजेरा है इसको ही बोलते हैं, 98 में डी सही होगा। विच वन ऑफ द पार्टिसिपेट एज ए माइकोराइजल फंगस, तो इनमें से कौन सा पार्टिसिपेट करता है माइकोराइजल फंगस के रूप में, तो बताइएगा। तो 99 का जो ऑप्शन होगा ए, एस्कोबोलस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्रूटिंग फ्रूट डेवलपिंग फ्रॉम द हाइपेंथोडियम इनफ्लोरेसेंस इज कॉल्ड, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऐसे फूड को क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं डी, साइकोनस। क्या बोलते हैं? साइकोनस, ध्यान रखिएगा। हाइपेंथोडियम किसमें देखने को मिलता है? गूलर में आपको ये देखने को मिलता है, किसमें? गूलर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव डीएनए, किसमें डीएनए नहीं पाया जाता है, तो आप बताएंगे माइटोकांड्रिया, तो पेरोक्सीसोम में डीएनए नहीं देखने को मिलता है। द सोर्स ऑफ द मार्फीन इज, मार्फीन का सोर्स क्या है, ये आपके जीडीसी में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज और आपके जो जीआईसी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज की जो वैकेंसी आई थी उसमें ये पूछा था, मार्फीन किससे प्राप्त की जाती है, तो मार्फीन प्राप्त की जाती है आप बताएंगे किससे, तो 102 नंबर का जो सही आंसर होगा वो होगा सी, पेपर सोमनीफेरम, जिससे अफीम प्राप्त की जाती है। द प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन वाज फर्स्ट रिपोर्टेड बाय, ये पीजी टीम क्वेश्चन आया है, तो नाविश्चिंत थे जिन्होंने डबल फर्टिलाइजेशन को बताया था,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रॉसिंग ऑफ द हाइब्रिड विद द रिसेसिव स्टॉक इज नोन एज, हाइब्रिड को रिसेसिव स्टॉक के संकरण को जाना जाता है, तो रिसेसिव स्टॉक के साथ जो संकरण कराया जाता है उसे किसके नाम से जाना जाता है, तो 104 में सही आंसर क्या होगा, बी, टेस्ट क्रॉस के नाम से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉमनली नोन एज गल्फ वीड, गल्फ वीड किसे कहा जाता है, तो गल्फ वीट कहा जाता है सार्गासम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइसोसोम कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अबाउंडेंस, लाइसोसोम कंटेन्स विच ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउंडेंस, निम्नलिखित में कौन लाइसोसोम में बहुतायत में मिलता है, तो वो मिलता है कौन सा, हीम साइटोक्रोम आइसोमेरेज या एसिड फास्फोटेज, तो इसका सही आंसर क्या होगा, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है, तो 106 का होगा बी, एसिड फास्फेटेज। गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज इन्वॉल्व बिन, तो किसमें इन्वॉल्व रहती है, तो सेल ऑफ सेक्रेटरी प्रोसेस और मूवमेंट ऑफ द पार्ट और सिनेप्सिस, तो इसका 107 का जो आंसर होगा वो आपके अनुसार कौन सा होगा, तो बी होगा, सेल सेक्रेटरी प्रोसेस। आर क्यू वैल्यू ऑफ 4 मे बी एक्सपेक्टेड फॉर द कॉम्प्लेक्स ऑक्सीडेशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग, तो ये किसका हो सकता है, तो बताइएगा, तो 104 का आंसर, 108 का आपका आंसर क्या होगा, तो सी होगा, ऑक्सैलिक एसिड, क्या होगा, ऑक्सैलिक एसिड, नोट करके रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन टेक प्लेस इन, तो ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन कहाँ होता है, ऑक्सीकरण जो फास्फोराइलेशन होता है वो कहाँ होता है, तो 109 का ए, माइटोकांड्रिया में। इंडक्शन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इनर फेसिकुलर कैम्बियम इज बाय द, इंडक्शन यानी इंटरफेसिकुलर कैम्बियम का निर्माण प्रेरित होता है, तो किसके द्वारा प्रेरित होता है, तो बताइएगा किसके द्वारा होता है, तो 110 का सही आंसर बताइएगा आप, तो 110 का होगा ए, काइनेटिन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉल्स स्मट ऑफ पैडी कॉज्ड बाय, तो फॉल्स स्मट पैडी किसके द्वारा फैलता है, तो आप बताइएगा टोलिपोस्पोरियम या स्पेरोलोथिका, या स्पेरोलोथिका बोलते हैं, इन दोनों में से किसके द्वारा होता है, या इनके द्वारा होता है, आश्लेगो के द्वारा, तो 111 का सही आंसर होगा सी नंबर, आश्लेजिनोइडिस के द्वारा होता है, ध्यान रखिएगा 111 में सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्टीडिया विच आर स्टराइल जनरली लाइट कलर्ड एंड कोनिकल ऑर्गेंस आर मेट विद इन विद इन द फ्रूटिंग बॉडी, सिस्टीडिया जो बंद प्रायः हल्का रंग वाले तथा शंकु आकार के अंग हैं, निम्नलिखित में किसमें पाए जाते हैं, तो किसमें पाए जाते हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नोट करके रखिएगा अपने पास, किसमें पाए जाते हैं, तो 112 का सही आंसर क्या होगा, तो 112 का सही आंसर है ए, सिलियोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉसिल इज ए फंगस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉसिल इज ए फंगस, निम्नलिखित कौन जीवाश्म कवक है, ध्यान रखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये उच्च लेवल के क्वेश्चंस हैं जो आपको फंसा देंगे, जो आपको वही 25-30% क्वेश्चन है जो आपके ज्वाइनिंग को रोकते हैं, तो बताइएगा कि फॉसिल्स फंगस इनमें से कौन सा है, तो 113 का जो सही आंसर होगा वो होगा डी, जाइलेरिवा या जाइलेरिया बोल सकते हैं, क्या है, जाइलेरिया, यहाँ लिखा है जाइलेरिवा लिखा हुआ है मगर जाइलेरिया होगा, तो ऑप्शन ये है डी। विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलप्स नोड्यूल्स ऑन द सरफेस ऑफ लीक एंड फिक्सेस नाइट्रोजन, कौन से पत्ती पर गुटिका बनाकर नत्रजन स्थापित करता है, तो बताइएगा पत्ती पर बनाता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए हम आपसे फिर कह रहे हैं, हम आपको वो क्वेश्चन उत्पन्न दे रहे हैं जो अपने आप में आपके लिए पहली हो सकते हैं, तो 114 नंबर का सही ऑप्शन होगा बी, कैल्बेसियल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज माइक्रोबियल इंसेक्टिसाइड, माइक्रोबियल इंसेक्टिसाइड कौन सा है, तो बताइएगा आपके हिसाब से कौन सा होगा, तो 115 का सही ऑप्शन होगा बैसिलस थुमजेनेसिस, इसी का प्रयोग बीटी काटन में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइल्ड फायर टॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय, वाइल्ड फायर टॉक्सिन प्रोड्यूस्ड बाय,
वाइल्ड फायर टॉक्सिन पैदा होता है तो किसके द्वारा होता है, तो पेरिकुलेरिया ओराइजी या एरविनिया, या इनमें से कोई नहीं है बताइएगा इसमें। 116 नंबर पे आप आंसर करिएगा, तो ये है अल्टरनेरिया सोलनाई के द्वारा वाइल्ड फायर टॉक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन प्लांट पैथोलॉजी, तो इंडियन प्लांट पैथोलॉजी के फादर कौन से होंगे, कौन होंगे, ईजे बटलर होना चाहिए। 117 पे आप बताएंगे आंसर, तो ईजे बटलर ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टोटल रूट पैरासाइट, तो टोटल रूट पैरासाइट इनमें से कौन सा है बताइएगा, तो ये तो स्टेम पैरासाइट है, और सेंटेलम जो होता है वो पार्शियल होता है। विस्कम 118 पे कौन सा आंसर होगा, विस्कम नहीं होगा, ब्लेनोफोरा सही आंसर होगा, बी ब्लेनोफोरा। 119 पे इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट प्लेसेंटेशन इज फाउंड टू बी पैराइटल, तो पैराइटल प्लेसेंटेशन किस में देखने को मिलता है, तो पैराइटल प्लेसेंटेशन जो हमें देखने को मिलता है 119 नंबर पे वो कौन होगा, मस्टर्ड, क्या होगा, मस्टर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एम्फी वेसल वैस्कुलर बंडल इज, एम्फी वेसल वैस्कुलर निम्नलिखित में किसे एक से पहचाना जाता है, बहुत अच्छा, एम्फी क्राइबल और एम्फी वेसल, तो ऑप्शन इसका होगा बी फ्लोयम, बीच में तथा इसके चारों ओर जाइलम होता है, तो ऑप्शन इस तरह 120 क्वेश्चन आपके ख़त्म होते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा, देखिएगा, स्किप मत करिएगा, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको परेशान करते हैं, अक्सर आपके ज्वाइनिंग को रोकते हैं, तो आप पूरा वीडियो देखिएगा और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, शेयर भी करिएगा। इसी के साथ नमस्कार।